To अपना और आज हम पढ़ने वाले हैं दीफ ऑफ इरास ये हम यूज करेंगे इन इसका एक अप्रोच ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हम हर एक नंबर के लिए इंडिविजुअली चेक करते हैं कि वो प्राइम है या नहीं अगर होता है तो हम प्रिंट कर देते हैं वरना नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं तो जो ये सीफ ऑफ इराटस्थनीस है ये हम एक बेटर अप्रोच देता है टू डू द सेम थिंग एंड लेट सी हाउ दिस वर्क इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे सपोज मेरे को 50 तक सारे प्राइम नंबर्स जो है प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूंगी 50 तक का एक आर्य बना लूंगी और हर एक प्राइम नंबर के जो भी मल्टीपल्स हैं मैं उनको मार्क करती रहूंगी ठीक है तो लास्ट में जो अनमार्क्ड रहेंगे वो मुझे पता है कि वो किसी भी प्राइम नंबर ने मार्क नहीं करे हैं मतलब वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है मतलब कि वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं टिल द एंड नंबर विच वी वॉन्ट ठीक है तो यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे सपोज मेरे को 50 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने तो मैं क्या करूंगी 50 तक का एक एरे ले लूंगी और मैं टू से स्टार्ट करके हर एक प्राइम नंबर के जो भी मल्टीपल्स होंगे उनको मार्क करती रहूंगी मतलब कट करती रहूंगी इससे क्या होगा कि जो लास्ट में अनमार्क्ड मेरे पास एलिमेंट्स होंगे आर्य में वो हमारे प्राइम नंबर होंगे है ना क्योंकि उनको किसी भी नंबर ने अभी तक मार्क नहीं किया कट नहीं किया तो मतलब वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो हमारे प्राइम नंबर होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम इसे सीव क्यों बोलते हैं सीव ऑफ इनिस तो वही है यहाँ पे अब इसको देखते हैं कैसे हो रहा है तो हम मैंने बोला कि हम टू से स्टार्ट कर रहे हैं राइट बिकॉज टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर दैट वी हैव तो टू के मैंने सारे मल्टीपल्स को मार्क कर दिया अब मैं देखूंगी जो नेक्स्ट मेरे पास अनमार्क्ड एलिमेंट है वो है थ्री तो मैं थ्री के जाके सारे मल्टीपल्स मार्क कर दूंगी तो सिक्स तो ऑलरेडी मार्क मार्कड तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाइन से और नाइन से स्टार्ट करके मैंने उसके सारे मल्टीपल्स को मार्क कर दिया नेक्स्ट आई कम टू फोर फोर ऑलरेडी मार्क्ड है तो मैं उसको छोड़ दूंगी फाइव पे आई फाइव के अब मैं देखूंगी कि कहा से स्टार्ट करना है ट्वेंटी फाइव से मैं स्टार्ट करूंगी देख रहे हैं आप उससे पहले के जो भी मल्टीपल्स हैं फाइव के वो ऑलरेडी मार्क्ड हैं तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमें मार्क करने स्टार्ट करने एलिमेंट्स ठीक है किसी भी आई के लिए वो हम स्टार्ट कर रहे होंगे आई स्क्वायर से क्योंकि आप देखिए यहाँ पे थ्री के लिए हमने स्टार्ट किया नाइन से फाइव के लिए हम स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी फाइव से वो इसलिए यार क्योंकि जो भी उसके स्क्वायर से पहले के मल्टीपल्स होंगे जैसे फाइव के जो ट्वेंटी फाइव से पहले मल्टीपल्स हैं ट्वेंटी फिफ्टीन टेन ये सब ऑलरेडी मार्क्ड होंगे जो उससे पहले प्राइम नंबर्स आए हैं यहाँ पे इन दिस केस टू एंड थ्री वो ऑलरेडी उन नंबर्स को मार्क कर चुके होंगे अपना जो लूप है उसको थोड़ा और यू you नो know, कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हर एक आई के लिए आई स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके मल्टीपल्स को मार्क करते जाएंगे ठीक है तो फाइव के लिए मैं स्टार्ट करूँगी ट्वेंटी फाइव से और ट्वेंटी फाइव से स्टार्ट करके मैंने उसके जो भी मल्टीपल्स थे उनको मार्क कर दिया नेक्स्ट आई कम टू सिक्स सिक्स मार्क तो छोड़ दिया सेवन पे आई अब सेवन का जो स्क्वायर है वो है फोर्टी नाइन राइट तो मैंने फोर्टी नाइन को मार्क किया अब मैं आई एट पे तो एट का क्या स्क्वायर होता है एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर विच इज़ मोर देन फिफ्टी ठीक है हमें फिफ्टी तक के प्रिंट करने हैं प्राइम नंबर्स तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगी तो अब आप देखिए जो मेरे पास अनमार्क्ड एलिमेंट्स बचे हैं इस सारे में वो सारे प्राइम नंबर्स हैं है, है कि नहीं ठीक है तो ये होता है सीव ऑफ एरोटस्थनीस का आप कह सकते हैं प्रिंसिपल तो यहाँ पे हम फाइन करें सारे प्राइम नंबर्स बाय रिमूविंग ऑल ऑफ दी नॉन प्राइम नंबर्स ठीक है तो इसको अगर मैंने कोड करना तो मैं देखती हूँ कैसे करेंगे सबसे पहले मैं यूज़र से ले लेती हूँ इंट एन ठीक है जहाँ तक कि मेरे को अपने प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाने हैं मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक फंक्शन तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूँगी ठीक है जिसको मैं बोलूंगी प्राइम सीव जहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा मेरे पास इंट n अब यहाँ पे मेरे को एक एरे बनाना है तो मैंने बना लिया प्राइम करके एक एरे और डायनेमिक साइज़ तो दे नहीं सकती तो उसको मैंने हंड्रेड साइज दे दिया और इनिशिएट कर दिया ज़ीरो से ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हम एक लूप लगा देंगे यार जो कि चलेगा टू से लेकर कहाँ तक लेस देन इक्वल टू एन तक और मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि क्या वो एलिमेंट अनमार्क्ड है ठीक है तो अगर ज़ीरो है तो मतलब अनमार्क्ड है तो प्राइम ऑफ आई अगर ज़ीरो है ठीक है तो मैं क्या करूँगी उसके मल्टीपल्स को जाके मार्क कर दूँगी तो मैंने एक और लूप लगा दी है जे जो कि स्टार्ट हो रहा होगा वो हमने देख लिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा आई स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा होगा चल रहा होगा एन तक और हम लूप में हम कैसे चलेंगे हम जंप्स मारेंगे i के राइट right? क्योंकि हमें i के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करना है तो मैं क्या कर दूंगी प्राइम ऑफ i को लिख दूंगी वन ठीक है तो जो वन है मतलब कि वो मार्क्ड है जो जीरो है वो अनमार्क्ड है अब मैं लास्ट में क्या करूंगी मैं यार एक लूप लगा दूंगी सिंपली जो कि चलेगा टू से लेकर एन तक और आ, मैं प्रिंट कर दूंगी वो नंबर्स जो कि अनमार्क्ड है तो मैं चेक कर लूंगी कि क्या प्राइम ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो अगर हाँ तो आप प्रिंट कर दो हमारा आई राइट रिम्बर यहाँ पे हमें प्राइम ऑफ आई नहीं प्रिंट करना है यहाँ पे हमें आई प्रिंट करना है यहाँ पे मैं स्पेस डाल देती हूँ ग्रेट ठीक है तो ये हो गया हमारा सीव ऑफ एरोटोस्थिन का जो कोड होता है एक बार ये अगर मैं ब्रीफ में दोबारा बताऊ आपको तो हम टू से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टू हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है ठीक है और फिर हम चेक करें कि क्या वो नंबर अनमार्क्ड है अगर अनमार्क्ड है तो हम क्या करेंगे कि उसके जो भी सारे मल्टीपल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम उसका स्क्वायर हम उनको जाकर मार्क कर देंगे यहाँ पे आएगा जे नॉट आई राइट तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमर जो भी अनमार्क्ड एलिमेंट्स बचेंगे उसके बाद वो होंगे हमारे प्राइम नंबर्स अब मेरे को बस इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैंने कॉल कर दिया विद एन लेट्स रन दिस तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ इनपुट थर्टी एंड यू कैन सी दैट आई हैव ऑल ऑफ द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू थर्टी ग्रेट अब इस पे यार कुछ वेरिएशन होते हैं जो सीव ऑफ इोटीज पे ही बेस्ड होते हैं एंड उन वेरिएशन को अब हम देख रहे होंगे तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं हम सीव पे बेस्ड वो है प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग सीव आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को याद है क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आई डोंट रिमेंबर तो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता यार एक नंबर को हम उसके फैक्टर्स के उसमें लगते थे एज अ प्रोडक्ट तो यहाँ पे हमें फाइंड करने को हमें कोई एक नंबर दे रखा होगा और उसके हमें सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो प्रिंट करने हैं तो उसको एक फास्टर मतलब और भी तरीके हैं नॉर्मल तरीके हैं बट सीफ के वे से हम कैसे उसे फास्टर कर सकते हैं वो अभी देखने वाले हैं हम तो यार यहाँ पे क्या कर रहे होंगे यहाँ पे हम एक एरे बना रहे होंगे एस पी एफ का एस पी एफ इज स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर तो हर एक नंबर का हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा और हम क्या करेंगे हमारा जो भी नंबर है उसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे उसके एस पी एफ से और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक वो वन नहीं हो जाता ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं मैंने ट्वेंटी लिया आप ट्वेंटी का जो आप स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर अगर देखोगे तो वो होगा टू राइट right. तो मैंने इसको टू से डिवाइड किया मेरे पास आया टेन अब टेन का दोबारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो है टू मैंने टू से डिवाइड किया आया फाइव फाइव तो ऑलरेडी खुद ही प्राइम है ठीक है तो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो गया वो खुद फाइव तो मेरे पास वन आ गया तो जैसे मेरे पास वन आ गया मैं स्टॉप हो जाऊंगी और मेरे जो प्राइम फैक्टर्स हैं ट्वेंटी के वो मेरे पास आ गए टू टू एंड फाइव दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी राइट तो यही हम करने वाले हैं सीफ के थ्रू सीव के थ्रू कैसे करने वाले हैं हम यहाँ पे तो हम सीव में ये मार्क करने की जगह कि प्राइम है या नहीं हम यहाँ पे ये मार्क करेंगे कि कौन से नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया था हमने टू के सारे मल्टीपल्स को जाके मार्क कर दिया था तो जो भी टू के मल्टीपल्स को हमने मार्क किया था क्या मैं बोल सकती हूँ कि उन सबका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर टू होगा होगा राइट right. और ऐसे ही थ्री ने जिन जिन को जाके मार्क किया था थ्री ने मार्क किया था नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन थर्टी थ्री थर्टी नाइन फोर्टी फाइव इन सबको थ्री ने मार्क किया था तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इन सबका जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो है थ्री सिमिलरली फाइव ने मार्क किया था ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी फाइव को तो इनका स्मॉलेस्ट जो प्राइम फैक्टर हो गया वो हो गया फाइव और जो सेवन था उसने मार्क किया था किसको फोर्टी नाइन को तो फोर्टी नाइन का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो गया सेवन ठीक है तो हमारे पास यहाँ तक फिफ्टी तक के कि हम किसी भी आ, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते कैसे हम उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखेंगे कि क्या है उसको उसे डिवाइड करते रहेंगे कब तक जब तक वो नंबर वन नहीं हो जाता ठीक है बढ़िया अब इसको कोड करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेंगे ठीक है प्राइम फैक्टर करके और यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ रहा होगा एन अब क्या करेंगे एक एरे बना लेंगे ठीक है जो कि होगा एस पी एफ इसको मैंने साइज़ दे दिया हंड्रेड और इनिशियलाइज कर दिया जीरो से अब मैं क्या करने वाली हूँ सबसे पहले ना मैं सब नंबर्स को टू से स्टार्ट करेंगे हमें यहाँ पे मैं सब नंबर्स को जो उनका एस पी एफ है वो वो खुद ही दे दूंगी राइट क्योंकि जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे उनका जो एस पी एफ होगा वो खुद ही होगा राइट right? टू का एस पी एफ 3 टू थ्री का एस पी एफ एज थ्री एंड सो ऑन और ऐसे ही हम देख रहे होंगे कि क्या कोई भी नंबर अनइनशलाइज है ठीक है अगर उसका एस पी एफ ऑफ एनी आई इज इक्वल टू आई मतलब कि उसको अभी तक हमने मार्क नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे कि इफ एस पी एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई तभी हम आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे एक लूप लगाएंगे जे के लिए ठीक है जो कि स्टार्ट होगा आई स्क्वायर से एंड वही चीज़ है जो हमने पहले लिखी थी ओ एंड जे प्लस इज इक्वल टू आई अब यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे हम कि क्या एस पी एफ ओफ आई जे इक्वल टू जे है मतलब कि वो अनमार्क्ड है क्योंकि अगर वो ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं किसी एलिमेंट से तो मतलब कि उसका जो एस पी एफ है वो ये वाला आई नहीं है वो पहले हम उसको मार्क कर चुके हैं उसके एस पी एफ़ से ठीक है तो अगर एस पी एफ ऑफ जे इज ईक्वल टू एस पी एफ ऑफ जे तो हम उसको अपडेट कर देंगे एस पी एफ ऑफ जे को कर देंगे आई राइट right. और यहाँ पे ये फॉर लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे हम एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक एन इज इक्वल टू वन नहीं हो जाता हम क्या करेंगे सबसे पहले उसका जो एस पी एफ होगा उसको प्रिंट कर देंगे राइट right. और हम क्या करेंगे एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एस पी एफ ऑफ एन ठीक है तो ये हम चलाते रहेंगे जब तक कि n इक्वल टू वन नहीं हो जाता फाइनली और यहाँ से हम यूजर से इनपुट ले, ले लेते हैं n और हमें फंक्शन कॉल करना है बस प्राइम फैक्टर ऑफ n राइट राइट तो यहाँ पे मैं इनपुट देती हूँ फोर्टी टू so, तो यहाँ पे आप देखिए यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन राइट 2 3 7 राइट सो वी हैव द प्राइम फैक्टराइजेशन ही So that's all for this video. Thank you all for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.